नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बेस लाइन बीट को आप कैसे मिक्स कर सकते हो, उसमें क्लैरिटी कैसे ला सकते हो, जिससे बेस लाइन पैटर्न जो रिदम के साथ में बजे तो आपका बेस लाइन का जो साउंड्स है वो खुल के बजे, उसका जो साउंड है काफ़ी अच्छा लगे सुनने में। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये बेस लाइन पैटर्न बना हुआ है और अभी मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। अगर मैं इसको सिंपली आपको सुनाता हूँ तो बिल्कुल रूखा रूखा सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो आपने सुना कि बिल्कुल रूखा रूखा सा है, इसमें कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं है जो सुनने में आपको अच्छा लगे। तो ये रिदम के साथ में भी मैंने आपको सुना दिया हूँ जो बिल्कुल बेकार लग रहा है, बेस लाइन का पता भी नहीं चल रहा है, दबा दबा सा है। तो अगर आपको ऐसे भी प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हो, कैसे आप इसको सही कर सकते हो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना है फ्रूटी कंप्रेसर, जो कि एक डायनामाइक प्लगइन से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस प्लगइन से मैं इसका केवल इसका गेन लेवल बढ़ाऊँगा लगभग 3 dB तक, और मैं इसका कुछ भी यूज नहीं करूँगा, केवल 3 dB तक इसका गेन लेवल बढ़ाऊँगा। और इसका जो रेशियो है अटैक है वो मैं यहाँ पे बढ़ा दूँगा, जो भी मुझे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते पूरा, तो यही बेस लाइन जो आप सुन रहे थे यही काफ़ी अच्छा आपको सुनने को मिल जाएगा, इसका साउंड आपको काफ़ी प्यारा सा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर केवल इसका गेन लेवल बढ़ाया हूँ, और अब मैं यूज करूँगा एक डायनामाइक प्लगइन साउंड गुडाइजर, जो कि काफ़ी अच्छा होता है वोकल्स के लिए। आप वोकल्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, या फिर किसी मिडी टोन के लिए मेलोडी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। डायनामाइक प्लगइन से काफ़ी अच्छा साउंड कराता है, क्लियर इसके साउंड देता है, इफेक्ट देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके प्रेसेट्स भी हैं, प्रेसेट्स भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर केवल 2 plugins यूज किए हैं, एक तो मैंने गेन लेवल बढ़ाया और दूसरा मैंने एक डायनामाइक प्लगइन यूज किया हूँ। तो आपने सुना कि इसका अभी केवल 2 plugins यूज किया हूँ, काफ़ी दोस्तों अच्छा लग रहा है सुनने में। और भी मैं आगे बताऊंगा कि इसको अब और भी अच्छा बेस्ट कैसे बना सकते हो, काफ़ी मीठा जो साउंड्स होता है बेस लाइन पैटर्न का वो आप कैसे दे सकते हो। इसके लिए मैं एक फिल्टर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है फ्रूटी पैरामेटिक EQ2। इसका मैं यूज करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई पास से मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर रहा हूँ, और 50 kHz में मैं इसको रख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इसको थोड़ा सा मैं बूस्ट करूँगा, इससे क्या होता है थोड़ा सा जो हमारा वोकल्स हो या फिर हमारा कोई भी मिडी टोन हो वो थोड़ा सा खुल के बजने लगता है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके ग्राफ्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसको किसी भी वोकल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, और या फिर आप किसी भी मिडी टोन के लिए भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्लगइन्स यूज करेंगे एक रिवर्ब का, जो कि इसमें अगर रिवर्ब पड़ जाता है तो और भी अच्छा साउंड करने लगता है। इसका पैटर्न देख सकते हो कैसे बेस लाइन पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो में बताया हूँ कि आप बेस लाइन पैटर्न किस तरीके से बना सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने केवल 3 plugins यूज किए हैं, नेक्स्ट प्लगइन्स हम यूज करने वाले हैं फ्रूटी रिवर्ब 2 का, जो कि हमें रिवर्ब देना है। इसके साइज को कम करेंगे, लो कट को हाई कट को यहाँ पे थोड़ा सा हम कम ज़्यादा करेंगे, और यहाँ पे जो डिले है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बेस को यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, इसके जो मिक्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे कट कर देते हैं, और अब सुनते हैं।
दोस्तों सिर्फ यहाँ पे चार प्लगइन्स यूज़ किया हूँ और काफ़ी मीठा साउंड यहाँ पे सुनने में लग रहा है और काफ़ी अच्छा साउंड दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको बीट के साथ में सुनता हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो ट्रैक होता है प्रोफेशनल साउंड नहीं करता है। प्रोफेशनल साउंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप हर एक चीज़ को मिक्स नहीं करते हो अच्छे तरीके से। बेसलाइन जैसे पाया वैसे लगा दिया, किक जैसे पाया वैसे लगा दिया, स्नेयर जैसे पाया वैसे लगा दिया। उसको मिक्स करिए, एक लेबल में करिए कि कितना आपको साउंड रखना है, उसमें क्या चीज़ मिक्स करना है, क्या चीज़ कट करना है। ये चीज़ अगर सब कुछ अगर आप एक हिसाब से रखोगे ना तो आपका ट्रैक प्रोफेशनल साउंड करेगा। और उसके साथ में जब आपका मेलोडी बजेगा तो आपका ट्रैक और भी सुनने में अच्छा लगेगा। जब उसके साथ में सिंगर कोई गाएगा उसका आउटपुट जब निकालोगे बाहर तो सुनने में और भी काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी ट्रैक का आवाज़ फटता नहीं है, किसी भी किक का आवाज़ या फिर स्नेयर का आवाज़ बेसलाइन का आवाज़ फटेगा नहीं, एक क्लियर साउंड कराएगा जब उसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करोगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।